मैं कुछ किताबें जो लबनान की छपी हुई हैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में अस्सफीनतुल कादरिया है, ये लबनान से छपी है। इसमें एक किताब है जिसको गिबततुन नाजिर फी तर्जमति शेख अब्दुल कादिर है, यानी इस किताब के लिखने वाले इमाम इबन हजर अस्कलानी है। इनका किताब लिखना बता रहा है कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की शान व अजमत इबन हजर अस्कलानी के नजदीक क्या है। और एक किताब है अर रौज़ुल ज़ाहिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, ये भी लबनान की छपी है और इसके लिखने वाले इमाम बुरहानुद्दीन इब्राहिम बिन अली अल कादरी हैं और ये 880 हिजरी के हैं। इन्होंने भी गौसे पाक के शान में लिखा और इनका लिखना भी बताता है कि मुहद्दिसीन की नजर में सरकार गौसे पाक की शान अजमत क्या है। एक और किताब जिसको खुलासतुल मफाखिर फी अखबारी शेख अब्दुल कादिर, ये किताब है और ये भी लबनान से छपी है। इसके लिखने वाले इमाम अब्दुल्ला बिन असद अल याफी हैं, ये 760 पर 8 हिजरी के हैं। इनका किताब लिखना भी बताता है कि सरकार गौसे पाक से बढ़कर किसी की शान अजमत नहीं है। और यह आखिरी किताब है मुस्तनद और सबसे ज्यादा गौसे पाक की शान में बयान की जाने वाली और दलील के तौर पर यह किताब बताई जाती है, सुनाई जाती है। इस किताब का नाम है बहजतुल असरार व मादनुल अनवार और यह सरकार गौसे पाक की शान में लिखी गई फी बादी मनाकिबिल कुतबिर रब्बानी मुहियुद्दीन अबी मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी। इसके लिखने वाले नूरुद्दीन अबुल हसन अली बिन यूसुफ बिन जरीर अल शतनूफी हैं और ये 713 हिजरी के, यानी सरकार गौसे पाक के बिल्कुल 60-70 साल के बाद वाले ये सरकार गौसे पाक के शान में पूरी इतनी मोटी किताब लिखते हैं और छपी हुई लबनान से है, कहीं हिंदुस्तान की या पाक की छपी हुई नहीं है। इन मुहद्दिसीन का किताब लिखाना और अरब कंट्रीज वालों का छापना ये बताता है कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान न सिर्फ पाक व हिंद वाले बयान करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में सरकार गौसे पाक की शान अजमत बयान की जाती है। सुबह अल्लाह हम खुश नसीब हैं सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और दिल से मोहब्बत भी करते हैं, दिल से मानते भी हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और आपकी शान अजमत हमेशा अपने दिलों में मिठाए रखने की तौफीक अता फरमाए और आपकी बरकतें हासिल करते रहने की तौफीक अता फरमाए।